हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे वीर मराठा योद्धा चिमाजी अप्पा के बारे में। चिमाजी अप्पा का जन्म 1707 में प्रथम पेशवा बालाजी विश्वनाथ भट्ट एवं राधाबाई के पुत्र के रूप में हुआ था। वीर योद्धा एवं महान पेशवा बाजीराव प्रथम इनके बड़े भाई थे। इनके पुत्र का नाम सदाशिवराव भाऊ था, जिन्होंने पानीपत की तीसरी लड़ाई में अहमद शाह अब्दाली के खिलाफ मराठा सेना का नेतृत्व किया था। चिमाजी अप्पा शस्त्र के साथ साथ शास्त्र में भी निपुण थे। चिमाजी अप्पा ने अपने जीवन काल में कई लड़ाइयां लड़ी है। बाजीराव पेशवा के साथ मराठा साम्राज्य को विस्तार करने में चिमाजी अप्पा का महत्वपूर्ण योगदान है। अप्पा साहब की पहली मुहिम निजाम उल मुल्क के खिलाफ था। 1728 में बाजीराव पेशवा ने पालखेड़ में निजाम हैदराबाद को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। इस लड़ाई में चिमाजी अप्पा ने अहम भूमिका निभाया था। 1729 में चिमाजी अप्पा उत्तर की मुहिम में गए। उज्जैन में उन्होंने मुगल सूबेदारों को हराकर उज्जैन तक मराठा साम्राज्य का विस्तार किया। इस दौरान बाजीराव पेशवा ने बुंदेलखंड में मोहम्मद खान बंगश की सेना को हराकर मराठा आधिपत्य को स्थापित किया। इस प्रकार दोनों भाइयों ने अल्पायु में ही उत्तर भारत में अपने कीर्तिमान स्थापित कर दिए। इसी दौरान कोंकण क्षेत्र में पुर्तगालियों का वर्चस्व बढ़ने लगा। इसे रोकने की जिम्मेदारी पेशवा ने चिमाजी अप्पा को दिया। 1737 में कोंकण की मुहिम शुरू हुई। अपने रणकौशल से जल्दी ही चिमाजी अप्पा ने कल्याण और ठाणे को जीत लिया, पर दुर्भाग्य से चिमाजी अप्पा को यह मुहिम बीच में छोड़कर पेशवा की मदद के लिए उत्तर की ओर जाना पड़ा, जहाँ वे निजाम हैदराबाद से लड़ रहे थे। कोंकण में अप्पा साहब की गैरहाजिरी को देख पुर्तगालियों ने दोबारा ठाणे पर अधिकार जमा लिया। दूसरी तरफ दोनों भाइयों ने मिलकर निजाम को बुरी तरह हरा दिया। 1738 के आखिरी महीनों में पेशवा ने एक बार फिर चिमाजी अप्पा को कोंकण की मुहिम सौंपी। एक बार फिर अप्पा साहब कोंकण की तरफ निकल पड़े। इस बार उनके साथ मल्हार राव होलकर और पिल्लाजी जाधव जैसे वीर योद्धा भी थे। मराठा सेना ने एक बार फिर ठाणे पर अधिकार कर लिया और वसई की ओर निकल पड़े। वसई की मुहिम चिमाजी अप्पा के जीवन की सबसे महत्वपूर्ण मुहिम थी। वसई का किला जीतना लगभग असंभव कार्य था, क्योंकि वसई किला तीन तरफों से समुद्र से घिरा था, इसलिए किले पर हमला मात्र सामने से किया जा सकता था। परंतु सामने खाली मैदान होने की वजह से हमला करना बहुत कठिन था। कई महीनों तक मराठा सेना ने वसई किले के सामने अपना डेरा डाले रखा और किले की ओर तोप चलाते रहे, परंतु शत्रुओं के बिल्कुल सामने होने की वजह से मराठा सेना को काफी नुकसान पहुंचा। कई वीर मराठा सरदार और सैनिक मारे जा चुके थे। चिमाजी अप्पा का स्वास्थ्य भी खराब हो चला था। मराठियों के हौसले टूटने लगे थे। परिस्थितियां प्रतिकूल हो चला था, परंतु ऐसे स्थिति में भी चिमाजी अप्पा एक कदम भी पीछे हटने को तैयार ना थे। उन्होंने अपने सैनिकों से कहा, या तो किले की दीवार को तोप से उड़ा दो, नहीं तो मुझे तोप में डालकर किले की ओर चला दो। अपने सेनापति के मुख से ऐसी बात सुन मराठा सैनिकों के टूटे हौसले बुलंद हो गए। मई 1739 में मराठा सैनिकों ने वसई किले पर अधिकार कर लिया। चिमाजी अप्पा के अदम्य साहस और रणकौशल ने असंभव से दिखने वाले इस कार्य को संभव कर डाला। अप्रैल 1740 में बाजीराव पेशवा का निधन हो गया और उनके पुत्र बालाजी बाजीराव पेशवा बने। चिमाजी अप्पा ने कुछ समय के लिए नए पेशवा का मार्गदर्शन किया, परंतु दिसंबर 1740 में 33 वर्ष की अल्पायु में बीमारी के चलते चिमाजी अप्पा का निधन हो गया। जो कीर्तिमान चिमाजी अप्पा ने अपने अल्पायु में स्थापित किया, वो इतिहास में बहुत कम लोग कर पाए।